हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे चैनल में, यशीष बैनर्जी। और आज के इस वीडियो में आपके साथ मैं बात करने वाला हूँ WBJEE का काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन हमारे पास में 2022 के लिए कब स्टार्ट होने वाला है, हमारे पास में ऑफिशियल अपडेट्स क्या है, लेटेस्ट अपडेट्स क्या है, गवर्नमेंट की कुछ ऑफिशियल हमारे पास में लोगों से मैं इन्फॉर्मेशन लिया हूँ, आपको मैं ये इस वीडियो के अंदर में पूरा का पूरा बताने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, ये छोटा सा इंपॉर्टेंट अपडेट आपको पसंद आए, मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे, तो वीडियो को जो है आप लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना अपने सारे के सारे दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस चैनल मजा उठा सके। बाकी तो यार आपके लिए काफी सारा कॉलेज रिव्यूज में बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हो एक दो दिन के अंदर में, आप लोग वो सारे वीडियोस का मजा उठाना मत भूलना। बाकी तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जितने भी सारे बच्चे नए हो नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना, ताकि आगे आने वाले टाइम में जितने भी सारे वीडियोस मैं दूंगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जो मिल पाए। बाकी तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, उम्मीद करती है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो यार सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे पास में गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वहां पे मेरे किसी जान पहचान का एक है कोई जो काम करता है वहाँ पे एज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, हमारे पास में वहाँ पे काम करता है एज ऑफिसर। तो मैंने उनसे पूछा, वो हालांकि हमारे पास में WBJEE बोर्ड से नहीं है, लेकिन हमारे पास में WBJEE बोर्ड जो है वो हमारे पास में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के अंडर में आता है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के। तो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उनको पता होना चाहिए कि WBJEE का आपका काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन कब हो सकता है, या फिर WBJEE काउंसलिंग में शायद उनका कोई जान पहचान हो, कुछ भी तरीके से हेल्प मेरे को मिल सकता था। तो मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया और पूछा कि हमारे पास में WBJEE 2022 का रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होने वाला है काउंसलिंग का। मेरे को जो अपडेट उन्होंने दिया वो आपको मैं यहाँ पे ऑफिशियली इस चैनल के थ्रू, मेरे चैनल के थ्रू आपको मैं अपडेट दे रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। हमारे पास में आपका रजिस्ट्रेशन जो है थोड़ा सा पोस्टपोन होने वाला है, थोड़ा सा कुछ दिन बाद, जो हम प्रेडिक्शन दे रहे थे 15-20 तारीख के अंदर में होगा, ऑलरेडी 15 तारीख आपका क्रॉस बहुत दिन पहले कर चुका है आपका, अभी तक काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ, तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे। तो हमारे पास में ओवरऑल आपका काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन जो है, मेरे को जो चीज़ पता चला 25 तारीख के बाद में होने वाला है, और आपके पास में जो थर्ड वीक है, थर्ड वीक के लास्ट तक ही आपका ओवरऑल में रजिस्ट्रेशन जो वो स्टार्ट होने वाला है। ये हमारे पास में अभी तक का जो अपडेट है वो अपडेट मैं आपको बताया। यहाँ पे हमारे पास में वापस से आपको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, आपके पास में थर्ड वीक का एंड में आपका ओवरऑल काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है अकॉर्डिंग टू द अपडेट। इसको आप ट्रस्टेड अपडेट मान सकते हो, क्योंकि मैं जिनसे पूछा वो कोई मेरा जान पहचान का ही है, और वहाँ पे हमारे पास में एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो मैंने ये इन्फॉर्मेशन जुगाड़ किया और आपको मैं ये अपडेट दे रहा हूँ। बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी सारे बच्चे हमारे पास परेशान हो रहे, क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा रजिस्ट्रेशन, क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा। मैं तो आपको यार बताऊंगा, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौका है। अगर किसी का रजिस्ट्रेशन हमारे पास में, जो भी हमारे पास में आपका SC ST का सर्टिफिकेट हो जाए, OBC का सर्टिफिकेट हो जाए, किसी का TFW सर्टिफिकेट हो जाए, ये सारा का सारा चीज़ जिन लोगों का नहीं है, जिन लोगों को बनाना है, जिन लोगों को अपडेट करवाना है, काफ़ी पुराना हो चुका है आपका सर्टिफिकेट, तो ये सारा चीज़ आप अभी कर सकते हो। काउंसलिंग के लिए आपके पास में डॉक्यूमेंट्स जो जो चाहिए होगा, डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रख सकते हो। दूसरे किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे उनके काउंसलिंग्स के लिए देख सकते हो हमारे पास में। इसके बाद में आप JEE मेन के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो, JEE मेन की काउंसलिंग में बहुत सारा चीज़ आपके पास में होगा। तो आपके पास में ओवरऑल ये पूरा का पूरा छोटा सा एक अपडेट था, आपको मैं दे दिया। बाकी तो यार काउंसलिंग का हमारे पास में हेल्प डेस्क का बैच 2 काफ़ी जल्दी मैं लॉन्च करने वाला हूँ इस चैनल के अंदर में, आप लोग इस चैनल में बने रहो तब तक के लिए। बाकी तो यार मैं आपको बताना चाहूँगा, ये छोटा सा अपडेट अगर आपको पसंद आए, वीडियो को आप लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना अपने सारे के सारे दोस्तों के साथ, ताकि वो इस चैनल का मजा उठा सके। बाकी ये अपडेट आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, इंपॉर्टेंट था काफ़ी आपके लिए, काफ़ी सारे बच्चे परेशान हो रहे थे, मेरे को लग रहा था कि मेरे को ये वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन मैं भी जुगाड़ करने की कोशिश कर रहा था, तो मेरे को ये आदमी मिल गया जिनसे मैं क्वेश्चन पूछा और वो मेरे को हेल्प किया, ठीक है। बाकी तो यार उनको भी थैंक यू इस वीडियो के माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा मेरे को ये इन्फॉर्मेशन जुगाड़ करके देने के लिए, जिससे कि जिसके वजह से बेसिकली मैं ये छोटा सा वीडियो आपके लिए बना पा रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी तो मैं आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोग काउंसलिंग के लिए प्रिपेयर करते रहो, कौन सा कॉलेजेस वगैरह लेना है, सारा PDF बच्चों को हमारे काउंसलिंग हेल्प डेस्क की बैच 1 में हमारे पास मिलना स्टार्ट हो गया है। बैच 1 के ऑलमोस्ट हमारे पास में 150 प्लस स्टूडेंट्स को PDF हम लोग प्रोवाइड कर चुके हैं, कुछ 50-60 बच्चे हमारे पास में अभी तक बचे रह गए, उन लोगों को भी PDF एक दो दिन के अंदर में हम लोग भेज देंगे। और हमारे पास में आपका सेशन जो है, आपका वीडियो कॉल सेशन जो है, वो भी कंटिन्यू हम लोग रख रहे हैं। तो आई होप आपको पूरा का पूरा चीज़ में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, काउंसलिंग को आप लोग एंजॉय करो। सारे के सारे बच्चों को बताना चाहूँगा, डिप्रेस मत हो, बहुत ज़्यादा टेंशन मत लो, आप लोग एंजॉय करो काउंसलिंग की पूरी इस सीज़न को। और बाकी तो बताना चाहूँगा, कॉलेज में आप लोग जाने वाले हो, बहुत बहुत ऑल द बेस्ट सारे के सारे स्टूडेंट्स को। बाकी तो वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।